हम आप सबके सौजन्य से वार्ड नंबर 9 में भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई है, तो सब का सहयोग मिला और उसी तरह से हम लोगों ने ये कार्य संपन्न कर पाए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग करने के लिए। मीडियो का धन्यवाद, पूरे समाज का धन्यवाद, हमारे पड़ोसियों का, हमारे मोहल्ले का, सबका धन्यवाद। और वार्ड नंबर 9 में हमने आज शिव भोलेनाथ की स्थापना की है, जिसमें सबने हम सहयोग दिया है और हम सबका तह दिल से शुक्रगुजार हैं और मीडिया का और पूरे समाज का हम तह दिल से स्वागतम करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण गुप्ता। प्रवीण जी, बताएंगे आज वार्ड नंबर 9 में मंदिर की तरह बनवाया, जो मंदिर बनवाया सभी संयोग की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से, मोहल्ले वालों, वार्ड नंबर 9 में यही है। आज लंगर का भंडारा है और मूर्ति की स्थापना की है उन्होंने। किशन चंद, मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ। पहले तो मैं वार्ड नंबर 9 से था, तो आज मेरे जो साथी हैं गुप्ता साहब, इन्होंने अपने मोहल्ले के साथ सभी वार्ड नंबर 9 के लोगों ने, सभी ने मिल करके भगवान शिव की, शिवलिंग की स्थापना करवाई है। इसको लेकर के पहले ये वहाँ एरमा भी परसों हम लोग गए थे, तो इस तरह की जो भावना हो, ये सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की हर जगह पूजा हो रही है, इसलिए इस मोहल्ले वालों ने भी एक बहुत अच्छा काम किया है। जग का भी इन्होंने प्रबंध किया है, इधर कंजके बेचारी को भी पूजी जा रही हैं। तो इस तरह की अगर धार्मिक हमारे मन में भावना हो तो हम लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए सभी करते हैं, इस तरह के काम कोई कोई करता है। इसलिए मैं इस मोहल्ले वालों का, इन साथियों का, इन लड़कों का जिन्होंने साथ मिलकर इनके साथ दिया है और इस शुभ काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में पूरी कोशिश की है, इसलिए मैं बाकी समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब के बीच में ऐसी भावना होनी चाहिए और इस तरह के काम हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के आगे ही भी जान देनी है, उसका हिसाब किताब कहाँ से देंगे। इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि इस तरह की अपने मन में भावना रखें और इस तरह के काम करते रहें, ये समाज में एक लाइन जाती है। और इसके लिए मैं गुप्ता साहब का भी बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि ये सभी से आगे हुए हैं और आगे आकर के इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और जो चौधरी साहब हैं, मेरे अजीज हैं, इन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया है। एक लड़का और था, वो भी, ये 3-4 आदमी हैं, इन्होंने इतने दिनों से लगे हुए हैं कि बात ही पूछो, मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो देखता रहता था कि ये लोग सिर पानी पा करके लगे थे, तब ये इतना बड़ा जो है ये यज्ञ वगैरह या जो इतना बड़ा कार्य है ये आज पाया तकमील तक पहुँच रहा है। मैं इन सभी को, मोहल्ले वालों को भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के काम जो हैं ये होते रहें, भगवान आपका भला करें।